हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज हम बात करेंगे बुबोय के बारे में कुछ अननोन फैक्ट्स। इसका मतलब है हम आज ऐसे बात करेंगे जैसा कि बुबोय कहाँ पे रहता था, अब कहाँ पे रहता है, उसका क्लास क्या कितना है और उसका बर्थ डेट कितना है ETC। तो पूरा वीडियो देखिए एक इंट्रो के बाद। इंट्रो खत्म हो गया या फिर आप लोगों ने नहीं देखा है, ठीक है, जो भी हो, आज हम शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। ये अननोन फैक्ट्स के पहले अगर हम नॉर्मल फैक्ट्स बताएं तो बुबोय एक लड़का है जो दादूलाल के साथ रहता है। उसका बहुत सारा दोस्त है, वो अर्थ को बचाता है बहुत सारे विलेन से, दुश्मन से। और अब शुरू किया जाए तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि बुबोय का नाम। देखिए बुबोय का नाम तीन वर्ड से है, बो बॉय बॉय, तीन वर्ड। और उसका सीजन वन पे उसका एलिमेंट कितना था, तीन। मतलब ये इसके साथ मिला हुआ है, ये बनाने वाला इसके साथ ये मिलाया है। पर सच बोलूँ तो ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि बो बो बॉय इसमें बॉय एक वर्ड है ना कि कोई नाम। उसके बाद भी इन लोगों ने इसे नाम बना दिया, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अगर आपने सीज़न वन देखा तो सीज़न वन पे बुबोय को उसके घूमने के लिए भेजा जाता है दादूलाल के पास, पर सीज़न टू पे उसे घूमने के लिए नहीं, पूरा भेज ही देते हैं पढ़ाई के लिए। पर आपको क्या पता है वो कहाँ पे पढ़ाई के लिए जाता है, कौन सा जगह, उसका दादूलाल कहाँ पे रहता है? तो इसका आंसर है कि दादूलाल रिंटिस आइलैंड पे रहते हैं, और बुबोय भी अभी उस स्कूल पे भर्ती हो गए हैं। दादूलाल रिंटिस आइलैंड पे रहते हैं बहुत आराम से। उनका एक दुकान है जहाँ पे वो चॉकलेट के बहुत सारे प्रोडक्ट बेचते हैं। तो तीसरा जवाब कि बुबोय कौन से स्कूल पे पढ़ता है। बुबोय एक रिंटिस आइलैंड का एलिमेंट्री स्कूल पे पढ़ता है जिसका नाम है, रुकिए रुकिए मुझे पॉज करना पड़ेगा, इतना बड़ा नाम है मैंने कभी भी सोचा नहीं। उसका स्कूल का नाम है सेकोला रेंडन पुलाव रिंटिस। बहुत अजीब नाम है, छोड़ो इसको। तो चौथा फैक्ट्स पे चलते हैं। अभी चौथा फैक्ट्स है कि बुबोय कौन से क्लास पे पढ़ता है। तो इसका जवाब है बुबोय क्लास 5 पे पढ़ता है। बहुत अजीब लगता है ना। तो पांचवा फैक्ट्स है कि बुबोय का बर्थडे कब है। तो बुबोय का बर्थडे है मेरे बर्थडे का 2 महीने पहले, मतलब मार्च 13 मेरा बर्थडे मे पे है। तो मुझे कमेंट कीजिए कि किस किस के बर्थडे 13 मार्च पे है। मुझे पता है कोई भी नहीं करेगा, फिर भी बोला। अगर आप फोकस किए हैं बुबोय को तो देखेंगे कि बुबोय का आँख का रंग काला नहीं है, उसका आँख का रंग है ब्राउन कलर, मतलब मिट्टी का कलर। तो छठा फैक्ट है कि बुबोय का फादर का नाम क्या है। तो बुबोय के फादर का नाम है एमाटो। उसके बाप के बारे में हम और किसी वीडियो में बात करेंगे। तो सातवां फैक्ट है कि बुबोय कहाँ पे पहले रहता था, मतलब कौन से जगह पे वो रहता था उसके बाद दादूलाल के पास आया। तो बुबोय रहता है मलेशिया का कैपिटल सिटी, मतलब कुआला लंपुर पे, उसके पिता माता के साथ, पर फिर से दादूलाल के पास आ गए। क्यों आया किसको पता। कुआलालंपुर के नाम के सुनने के बाद आपको वो फुटबॉल वाला नाम याद आ गया, कार्टून, तो देखिए वो। तो आठवां फैक्ट थोड़ा मज़ेदार है कि बुबोय का फेवरेट इमोजी क्या है। आपको अभी हंसी आएगी कि बुबोय का कैसे इमोजी फेवरेट होगा। तो इसे भी मैं बोलूँगा कि बुबोय का फेवरेट इमोजी कुछ ऐसा है, वो है पहला तो लाइक बटन, उसके बाद हंसने वाला, रोने रोते रोते हंसता जो वो, उसके बाद बिजली का जो इमोजी है वो। मुझे पता है बहुत लोगों को हंसी आ रही है कि बुबोय का इमोजी कैसे पसंद हो सकता है। तो ये सच है कि बुबोय को जो क्रिएट किया है उन्होंने ये दिया है कि बुबोय को इमोजी ये सब पसंद है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, फिर और किसी वीडियो में मिलेंगे। तो आप एक शेयर और एक लाइक कीजिए, क्योंकि मेरा चैनल बहुत भीसा पीटा है। तो
ओके बाय। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे लावा बॉल चैनल को, तो जब सब्सक्राइब करेंगे तभी तो बढ़ेगा लावा बॉल का आग। हा 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 बाय।